हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। जैसे कि पिछले लेक्चर हम लोग देख रहे थे साहित्यिक निबंध में कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का जीवन परिचय और उनका काव्य के बारे में। आज हम लोग उसी सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेहद फेमस कवयित्री डॉक्टर कुमारी वासंती जी को, जो कि सिलेबस में आपको पढ़ना है। कुमारी वासंती जी को इनको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो जो पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ रहेगा। और जो दोस्त चैनल पर नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य कंप्लीट तैयारी, जो कि SSC CGL के न्यू सिलेबस के आधार पर तैयारी कराई जाती है, तो वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगी, तो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो वैसा छात्र जो कि थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट चाहते हैं, स्पेशल जिनको केयर की ज़रूरत है, स्पेशल जिन पे मेहनत चाहिए, जिनको नोट्स चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, वो एग्ज़ाम फॉर्मेट का स्ट्रेटजी टू मतलब कि पेड बैच जो चल रही है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर कुमारी वसंती का। चलिए देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर कुमारी वसंती, यही बुक जो पढ़ना है वही उसी उसी के बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? आधुनिक नागपुरी कवि मानक साहित्यिक परिचय, ये डॉक्टर बीपी केसरी जी का बुक है, वहीं से। चलिए कुमारी वसंती, ठीक है, जीवन परिचय देखते हैं। नागपुरी का शिष्ट साहित्य में महिला साहित्यकार बागरानक है, बहुत ज़्यादा लेडीज सब नहीं है, जनरली जेंट्स साहित्यकार सभी यहाँ पे है, फिर भी कुछ बहुत है, लेकिन उनमें से एक अहम योगदान और अहम स्थान रखती है डॉक्टर कुमारी वसंती। ई मन में कुमारी वसंती का नाव जागला है, मतलब कि नाव चमका हुआ है, अच्छा जगह बनाई हुई है। इनका जन्म एगो साधारण परिवार में मार्च, देख रहे हैं कौन महीना, मार्च 1950 ईस्वी के पोढ़ा टोली पोस्ट रेगारिह में हुए रहे। कहाँ? तो मार्च में हुआ था, 1950 ईस्वी के पोढ़ा टोली पोस्ट रेगारिह में हुए रहे, जे सिमडेगा जिला में पड़ेगा। कहाँ पड़ता है? सिमडेगा जिला में। अभी MCQ कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर बासंती जी का पढ़ाई लिखाई बहुत कठिनाई से होलक, मतलब बहुत देहात एरिया से थी, समझ सकते हैं सिमडेगा जिला और उस जमाना में क्या स्थिति रहा होगा, फिर भी पढ़ी और बहुत कठिनाई हुआ लेकिन पढ़ी, मुदा बहुत मुश्किल से पढ़ी है लेकिन मुदा, और डॉक्टर बसंती उच्चतम शिक्षा ग्रहण कर ले, मुश्किल से पढ़ी लेकिन भी वो बहुत हाई क्लास लेवल का क्लास मतलब शिक्षा हासिल की, उच्च लेवल की शिक्षा हासिल की। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या उसका शिक्षा के बारे में देखते हैं, क्या क्या शिक्षा यहाँ पे। बसंती जी शिक्षा में MA, ठीक है, BEd और PhD कर ले हैं। क्या क्या की थी? MA की हुई थी, BEd की हुई थी, ग्रेजुएशन के बाद BEd होता है, तो BEd, MA और PhD भी की हुई थी। इनकर PhD का विषय रहे, PhD कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट, कैसा आप BA करिएगा या इंजीनियरिंग करिएगा तो एक ऑनर्स होता है ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आपका पॉलिटिकल साइंस, ये एक ऑनर्स एक होता है, वैसे ही आप PhD करिएगा ना तो एक सब्जेक्ट के नाम पे ही आपका होता है। तो उसका क्या विषय था? नागपुरी गीतों की छंद रचना, जो कि बहुत फेमस, आप लोग जान सकते हैं कि नागपुरी गीतों की छंद रचना का रचयिता कौन है, तो डॉक्टर कुमारी वासंती जी है। तो वही इनका PhD का सब्जेक्ट था, जे पाछे किताब का रूप में किशोर विद्या निकेतन वाराणसी 1993 में छपलक। इस शोध का सब्जेक्ट यही था, जो कि बाद में किताब के जब शोध के जो क्लियर हो गया, पढ़ के निकल गए, तो उसी को बुक के रूप में छपवा दी। और बुक कौन छपा था? तो किशोर विद्या निकेतन, जो कि कहाँ है? तो वाराणसी में है। कब? तो 1993 ईस्वी में छपलक। प्रश्न पूछेगा कि उनका सब्जेक्ट क्या रहा है PhD में, तो नागपुरी गीतों की छंद रचना। कहाँ तक क्लास की थी? तो MA तक की, MA BEd PhD, मतलब कि हायर लेवल क्लास था, PhD तक की थी। कब उनकर बुक कब छपले? तो 1993 में छपा था। कौन पब्लिकेशन से? तो झारखंड झरोखा मत मार दीजिएगा, किशोर विद्या निकेतन वाराणसी छपा था, ठीक है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकते हैं। सेवा और दूसर काम, इसके बारे देखते हैं कि इनका क्या काम था। कुमारी वसंती व्याख्याता कर पद में काज कर रहे, मतलब कि लेक्चरर थी, रांची कॉलेज रांची में। कहाँ? तो रांची कॉलेज रांची में, जो कि अभी DSPMU जो बना हुआ है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, तो वही रांची कॉलेज में पहले जॉब की थी, ठीक है, लेक्चरर थी। और भाषा रहे नागपुरी, मतलब नागपुरी भाषा कर ही वो लेक्चरर थी। एखन बसंती जी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा यानी कि TRL, ठीक है,
जो TRL डिपार्टमेंट होता है ना, वही TRL डिपार्टमेंट की HOD थी कि भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में अध्यक्ष पद में काम करे के बाद, मतलब कि रांची यूनिवर्सिटी में TRL डिपार्टमेंट का हेड थी वो, और 2011 में सेवानिवृत्त होले, मतलब 2011 में रिटायरमेंट हुई है। कौन? तो कुमारी वसंती जी। आगे देखते हैं छपल रचना मन, क्या क्या उनका रचना छपा है। इनका बगरा रचना मन छपलक, मतलब इनका जो कृति है ना, अच्छा खासा कृति है, बहुत छपा है। क्या क्या देखते हैं, कुछ कुछ जो आपका एग्जाम पूछेगा। नागपुरी कर सौरभ, देख रहे हैं ना, नागपुरी कर सौरभ इनका बुक का नाम है, ये छपा था। नागपुरिया भाषा साहित्य, ये छपा था। लोकोक्ति के नाम पे एक साहित्य, वो छपा था। एक साहित्य का नाम पे ही है लोकोक्ति साहित्य, वो है। एक नागपुरी गीत कविता एक अध्ययन, ये बुक का नाम है, क्या है तो नागपुरी गीत कविता एक अध्ययन आदि निबंध, ये सब है। कर्मशः आदिवासी छोटा नागपुर, संदेश, रांची कॉलेज पत्रिका, शंखवाद और कचनार में रचना मन छपलक, ये सब का है। ये सब पत्रिका का नाम है, सब जितना ये सब बुक, ये सब बुक है, ठीक है, ये सब बुक है, ये सब बुक है। और वो सब बुक कहाँ छपा था, पहले पत्रिका सब मैंने छपता था, तो आदिवासी पत्रिका, छोटा नागपुर, संदेश पत्रिका वो भी है, रांची कॉलेज का पत्रिका जो निकलता है वहाँ छपा था, शंखनाद और कचनार ये दोनों जो पत्रिका है वहाँ इस सब में छपा है। कौन बुक? तो नागपुरी कर सौरभ, नागपुरिया भाषा साहित्य, लोकोक्ति साहित्य, नागपुरी गीत कविता एक अध्ययन, ये सब बुक छपा है, ठीक है। याद करते चलिएगा, प्रश्न पूछेगा नागपुरी गीत कविता केकर रचिता, सॉरी नागपुरी गीत कविता केकर रचना है के, ऐसा पूछ देगा। नागपुरी का सौरभ किसका है, तो सारा ये सब किसका है, तो कुमारी वसंती जी का है। आगे देखते हैं और भी बुक सारा है इनका। दराइर, मतलब दराइर किसको बोला जाता है, ये मान लीजिए इस क्रिकेट का पिच देखे होंगे, क्रिकेट का पिच वहाँ पे नहीं देखते, ऐसा ऐसा एकदम हो जाता है जमीन हुआ जो निशान पड़ जाता है फटने जैसा, उसी को दरार बोला जाता है, दरार को दरार बोला जाता है, ठीक है। दरार भी उसी का है, सगाई भी उसी का है। क्रिसमस का सांझ जो कि हम लोग को पढ़ना है अभी बुक में, ठीक है, क्रिसमस का सांझ पढ़ना है अभी CGL में हम लोग को स्टोरी वाला में, जो कि शिष्ट कहानी में पढ़ना है, ये भी उसी का है। भरल नदी का डोंगईत से, ये भी उन्हीं का है। नवा सालक नवा गीत मन, ये आपको ये गीत है, ठीक है, और इसको पढ़ना है आपको अभी, इस बार पढ़ना है। कब? तो इस बार पढ़ना है, लोग आपका गीत वाला सेक्शन में ये भी डाला हुआ है CGL का। कहानी मन, छोटा नागपुर, संदेश और रांची टाइम्स और जोहार में छपलक, ये सब पत्रिका है, ये सब भी रांची टाइम्स पेपर है, पत्रिका ही है, छोटा नागपुर, ये सब इस सब में छपा है। कहाँ का? दरायर, सगई, क्रिसमस का सांझ, भरल नदी कर डोंगईत से, और नवा सालक नवा गीत, ये सब इस में छपा है, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाक देख लेते हैं। नागपुरी का सौरभ छपा है, नागपुरी भाषा का साहित्य भी उसी की बुक है, लोकोक्ति साहित्य भी है, नागपुरी गीत कविता का अध्ययन उन्हीं का बुक है। कहाँ कहाँ छपा था? आदिवासी, छोटा नागपुर, संदेश, रांची कॉलेज पत्रिका में, और शंखवाद और कचनार में छपा है, ये सब। और नीचे कहा है दरायर, सगई, क्रिसमस का सांझ और भरल नदी का डोंगईत और नवा साल नवा गीत, ये सब कहाँ छपा था? तो छोटा नागपुर, संदेश और रांची टाइम्स और जोहार में छपा था इसे, ठीक है। एक और यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, हम लोग जिसको पढ़े थे बनकेवरा भाग वन में, समय सोना है के एक लघु निबंध पढ़े थे ना जी, पढ़े थे कि नहीं? समय सोना है के किसका? कुमारी वसंती जी का था, याद हुआ? तो वो भी इन्हीं का रचना है, जो कि एक लघु निबंध है जो कि जोहार में छपा था, किसमें? जोहार में। प्रश्न पूछेगा कि समय सोना है के कौन सा पत्रिका में छपा था, तो जोहार में छपा था। का है समय सोना है के? का है के गीत है के कविता है के उपन्यास है के लघु निबंध है के? का है के? तो लघु निबंध, ऐसे ही पूछेगा, आसान सा था, बिल्कुल बहुत आसान है। पिछला लेक्चर जो नहीं देखेंगे देखिएगा, ऐसे ही पानी की तरह लेक्चर कंप्लीट होते जाएगा। काव्यागत विशेषता, उनका जो लेखन शैली था ना काव्य का, वो उसमें क्या खूबी था वो देखना है। हाँ, प्रस्तुत कविता भरल नदी का डोंगाई, इसके बारे में बात होगा। मेरा रचनाकार अपन मन कर भाव के सहज रूप से बताया है, अपना मन का भाव कहाँ लिखे हैं कवि, जो कवित्री कहाँ, तो भरल नदी का डोंगाइत में लिखे हैं, उसमें कहाँ लिखे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चर्चा किया है। देखिए वो कहे ना, वो कहते हैं कौन कवि कवित्री कौन, कुमारी वसंती जी, कि डोंगाइत तो अपन डोंगा के नदी कर मझधार में बेगर कोनो चिंता के छोड़ दे,
है ना, डोंगा इत, तो अपन डोंगा के जो डोंगा चलाता है उसको बोल रहा है कि डोंगा इत, तो अपन डोंगा मतलब कि नाव को, ठीक है ना, जो नाव चलाता है उसको डोंगा इत, तो जो नाव को डोंगा इत, तुम अपना नाव को नदी कर मझधार में, मतलब कि भयानक जो पानी जो चलता है ना, जब बीच मझधार होता है वहाँ पे, बगैर कोई चिंता का लिए आप छोड़ दे, भले चारों दिशा में घन घोर घटा ढापले आए, ठीक है, कैसा लिखे हैं, चारों तरफ में घनघोर घटा ढापले हैं, फिर भी तुम बिना टेंशन को तुम छोड़ दो, बेजोड़ बरखा होएक लायक है, जबरदस्त बारिश हो रही है उनकर, और बिजली कर लौका से गोटा प्रकृति कांप लायक है, उस किस्म ही सब लिखे हैं, भारल नदी का डोंगैत में ये सब वर्णन किए हैं, कौन पूरा जबरदस्त बिजली लौकैत माने लौकना, यहाँ पर जो दिया है ना वो क्या मतलब चमकना होता है, गोटा प्रकृति मतलब कि पूरा धरती कांप रहा है, जोर से आंधी मन चले लायक है, बरखा कर बिन में हवा इतना जोर से बहेला कि खिसाल लख लागे, मतलब कि बरखा मतलब बारिश चल रहा है उस टाइम, इतना तेज हवा भी बह रहा है ना कि लग रहा है कि गुस्सा में बह रहा है। आगे देखते हैं, पानी संगे हवा में इसके गोटा नाफ करेला, पानी और हवा जब बहता है तूफान टाइप से नहीं देखते, झरझर मारता है वो बहुत विनाश करता है, गज का डायर डहरा सौंप के भांग देल, मतलब कि गज का डायर और डहरा सबके भांग देल, कहने का मतलब कि जो पानी के साथ जो हवा चलता है ना वो बहुत नुकसान करता है, जो पेड़ का जो शाखा होता है ना वो सबको तोड़ ताड़ देता है, उसी के बारे में बोले हैं। तो उसको कविता के रूप में किस टाइप से लिखे हैं, ये एक्सप्लेनेशन था, तो पहले एक्सप्लेनेशन बताते हैं उसके बाद नीचे कविता दिया हुआ है, तो कविता को उसी को छोटा सा लाइन लिखे हैं, गज कर कर्जा डोले भंग भंग डायर टूटे, ये लाइन के बारे में दिया है। हाँ, प्रकृति कापत जोर, अभी ऊपर देखे हैं प्रकृति कांपने लगता है, इतना भयानक चमकता है बिजली, धड़कत बूंदे लोर, काल सम रजनी आवे डाबत तिमिर जोर, ये चीज ये प्रश्न कैसे बनाएगा, दे देगा ये तीन लाइन को और बोल देगा कौन सा कविता का हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन आप यहाँ देख सकते हैं, भरल नदी का डोंगा, ये कविता का हेडलाइन है, दे देगा ये तीनों चार लाइन, बोल देगा किसका कृति है, तो किसका, तो कुमारी बसंती जी का कृति है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर कविता का, कोई कविता का लिया होगा थोड़ा उसका पहले एक्सप्लेनेशन कर रहा है, देखिए आगे कवित्री का है ना, आगे वही में उसी में बोल रहे हैं, ऐसन बेरा ना के संगी ना के साथी आ है, ठीक है, ऐसन बेरा वही कविता में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं आगे कि ऐसन बेरा ना कोई साथ है ना साथ देने वाला है, कोई तो ही आपन के आप तो आपन कहबे, किसको आप अपना बोलिए, कोई साथ देना नहीं है, उतने भय नहीं इतने ही भर नहीं, धीरे धीरे डोंगाओं में पानी भरे लायक है, अब धीरे धीरे जो नाव मझधार छोड़ने को बोला गया है उसमें भी पानी भर रहा है, एक कविता उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा एक्सप्लेनेशन से, सिर्फ कहा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा कविता बोला था, कविता का तीन लाइन देगा, बोले कौन सा किसका राइटर का है या इसका हेडलाइन क्या है, ठीक है, ऐसे ही सारा शीर्षक क्या है ऐसा पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं, मेन पूछेगा उनका जन्म उनका कृति क्या है ये सब पूछेगा, फिर भी इधर दिया है तो पढ़ लेते हैं, उतने भाई नहीं धीरे धीरे डोंगाओं में पानी भरे लाएंगे, अगर हाथ में खिहाल टूटल पतवार, और हाथ में क्या है खिहाल मतलब कि मान लीजिए एक हाथ का मान लीजिए कोई डंटा है, लेकिन 10 साल बाद उस डंटवा का होगा, देखिएगा कि एक हाथ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अपने आप कुछ कुछ यूज करते करते, तो क्या हुआ वो खिहा गया, उसी खिहा बोला जाता है, जैसे चप्पल है ना चप्पल लेते हैं लेकिन कुछ दिन पतला हो जाता है ना चप्पल, वह घिचड़ाता है रगड़ाता है, उसी खिहाना बोला जाता है, तो जो पतवार जो है ना वो टूटा हुआ है और खिहाया हुआ है, और इतना भयानक मझधार है फसल है नाव भी उसमें पानी भर रहा है, ना कोई साथ है ना कोई साथ देने वाला संगी है, संगे संगे रह के पानी का हल्का मारे लायक है, मतलब पानी का झोंका भी हल्का हल्का हिला रहा है नाव को, मतलब चारों तरफ से अंधकारी छाया हुआ है, कहने मतलब दोसर बटे दिन भर कर थकल, दूसरा साइड दिन भर का थका हुआ थकल हारल कमजोर काया कर का लखे ई विपैत के झेले पारी, दूसरा साइड कमजोर हारल शरीर है थका हुआ है वो इस विपत्ति को कैसे झेलने सकेगा, उसके बारे एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उसी को कविता में जो भावार्थ छिपा रहता है ना दोस्त, उसी का एक्सप्लेनेशन था वो, देखिए भावार्थ किसका निकाला इसको देखिएगा, बाह भेलक अब कमजोर का है का, टाइम हो चुका है ना इसीलिए एज हो चुका है, झटकलक पीठे पेट पंजरा झलके ओरे और माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी, ये इसी का वो भावार्थ दिया था। आगे देखते हैं, आगे कवित्री कहे ना कि आखिर तो
तोए तो इंसान ने किस जी, आखिर आप इंसान है सेल है, तोए तनिको चिंता फिक्र ना कर और अपन ऊपर तने गुमान रख, अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और तुम टेंशन मत लो। इतना भय नहीं, तोर संगे तो भगवान है, आपके साथ भगवान है, सेल है तो है, मतलब कि आप तेरे में हिम्मत करके जोश से गरज से कहा कि कतनो खराब हालत हुए कोनो बरन कर हार से आदमी नहीं हार सके ना, मतलब कि यहाँ पर जोश दे रहे हैं कि अरे आप अब तो इंसान ना है, कवित्री आगे लिख रहे वही कविता में, अगर आप तो इंसान है ना, इतना ही नहीं आपके साथ तो भगवान है, तो आप हिम्मत रखो और खुद पे गुमान रखो, कॉन्फिडेंस रखो और एकदम गरज के बोलो कि हम किसी भी सूरत में नहीं हारने वाले हैं। उसी को यहाँ पे दिया है, मरत दियाक हाँसी जबर मनुख तने अमर प्राण, संगे है तोर भगवान, मन में गरज का हार नहीं जीत मोर है, मेरा हार नहीं जीत मेरा ही होगा, गरज के बोलो मेरे साथ भगवान है। आगे देखते हैं दोस्त, चलिए आखिर में कवित्री कहे ना कि दुख जिसन तीता नीम के पी के हंसते हंसते मधुर मीठा मधुर रस लखे सुख के समाज बाँट और डहर चलोइया कर आसरा बन जा, ई खन कर मूद भाव आए कि आदमी के अपन विपरीत समय में हिम्मत के नहीं छोड़े चाहे। इस कविता का मूद भाव जो है ना, मुख्य भाव कि आदमी को विपरीत मतलब कि मुश्किल के समय में हिम्मत के नहीं हारे चाहे, हिम्मत के नहीं छोड़े चाहे, जो अभी नाव के सिस्टम में जो नाव के रूप में जो कविता को मझधार के रूप में जो मझधार में नाव जो छोड़ के कॉन्फिडेंस रखने बोले ना जो ऊपर, वही उसी मुख्य जो भाव है यही बताना चाह रहे थे कि मुश्किल के समय में भी खुद पे यकीन रखो। ता अभी क्या है, आप लोग का सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं समझ सकते, आप लोग के साथ दिक्कत हुआ है जब जस्ट दिक्कत हुआ है जी, मान सकते हैं हम मान रहे हैं, लेकिन चेंज हो गया तो क्या बोल रहा है लड़का लोग, अब क्या करे लग रहा है जहर खा जा, अरे यार गजब कर रहे हो यार, सबके लिए चेंज हुआ है, अब हिम्मत रखो, तुम इंसान हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो हिम्मत रखना चाहिए। यदि गौर से देखा जाए तो ये कविता उपदेशात्मक भी हो जाए है, कहने का मतलब है कि नहीं देख रहे हैं उपदेश टाइप से लग रहा है, किसी को समझाने टाइप से, उपदेशात्मक टाइप से, तो ध्यान देने से उपदेशात्मक तो ऑप्शन दे सकता है कि कर में कौन उपदेशात्मक टाइप पर कविता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन है, तो वही नौका वाला यार कैसे है नम्मा एक सेकेंड, भरल नदी का डोंगैत, ये नाम है कविता, कविता का शीर्षक का, ठीक है। आगे देखते हैं, कवित्री कर एगो और कविता आए नवा सालक नवा गीत, ये गीत को बहुत जल्द पढ़ाएंगे, ये गीत हम लोग को पढ़ना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कैसा होगा, समझिए कि दो टॉपिक इसी में हो जा रहा है आपका, क्या है इसे नवा सालक नवा गीत में, जेकर वो कहे न कि मनुख, जिसमें वो कहे ना कि मनुख मतलब मनुष्य अपन मन में विचार करे कि साल बीतलक उकर में वो का काम करलक, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं नवा सालक नवा गीत में बोलते हैं कि अपने अपने जमीर से पूछे मनुष्य कि जो साल बीता, नया साल मनाता है ना जी, तो बीता हुआ साल में के बारे खुद से वो पूछे कि वो का काम किया है बीता जो साल बीत गया, और नवा साल आवे लायक है ऊपर मनु का काम के करी, और यहाँ पे अगर नहीं किया है तो आने वाला समय में क्या क्या करेगा, बहुत कोई के लेता है ना जी कि हम बॉडी बनाएंगे, तो वही कि इस साल क्या किए और अगला साल क्या किए उसका लेखा जोखा करो, उसका गुना भागा करो। आगे देखते हैं, कवित्री कहे ना कि देखा नवा साल अलग, देखिए नया साल आया है, एहल रात दिन और हर मिनट का हिसाब कर ले, नया साल अलग इसीलिए अब पूरा साल भर का आप हिसाब कर लीजिए, रात दिन साल भर का क्या करना है कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे, कहा है कि नवा गीत गाय का है, कहा है कि नवा गीत गाय मतलब कि आगे जीवन में नया काम करना है, इस साल नया काम करना है, नया गीत गाना है, साल भर कर हिसाब किताब बाकी यह है, मतलब कि साल गीत गाने का मतलब क्या है, साल भर जो करोगे ना उसी को गीत के रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, साल भर कर हिसाब किताब बाकी यह है, मतलब साल भर के हिसाब किताब आप करिए, इस साल नया साल आया है तो क्या करना है, का कर ली और का नहीं कर ली तनी सोचे खाए, अब पिछला साल आप क्या किया क्या नहीं किया उसका सोचिए, ऐसा नहीं खाली नया साल आया पिकनिक मनाए मुर्गा काटे खाए और सूत गए, अरे ऐसा नहीं, कवि में यही बताना चाह रहा है कवि कविता में,
लंबा एकन जोड़ बाकी है, मतलब कि जिंदगी में अभी लंबा जिंदगी बाकी है, लंबा गुना भाग, बहुत सारा मुश्किल जिंदगी, मतलब बहुत तरह का रूप रंगीनियाँ आएगा आपका जिंदगी में, वही लंबा गुना भाग। मन में तनी एकन सोचू, अभी अपना मन में सोच लीजिए कि गेलक सालक बाद, साल में जो बात पीता उसमें क्या हुआ है, और आगे अभी जिंदगी बहुत लंबा, उसमें क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। साल भर कर हर महीना तो खोर मांझ में चल गया, साल भर कैसे बीत गया, खोर घूम घाम के जैसे करके बीती गया, खाली खाली का किए है, झांझ झांझ बजा है, मांदर और बांसी बजात रहली और डाड़ा जोड़ा के नाचत रहली, साल भर खाली यही काम किए हम लोग। रीझ रंग से गोटा नदी कर तीर हाई सुटलक, पूरा की तीर मतलब कि तीरे किनारे, हाँ, रीज रंग से गोटा नदी कर तीर हाँ छुटलक, यह रीज रंग में गोटे काम धंधा के भुलाए गेली और अब गुना भाई करे लायगी, यही नाच डेग ऐसबाजी करने के चक्कर में पूरा टाइम को बर्बाद कर दिए, और अभी गुना भागा कर रहे हैं कि साला पूरा साल बीत गया जी, कुछ नहीं करने सके। यही बोल रहे हैं कि भुलाए गेली का धंधा भेली बंदर झांसी, यही लाइन के बारे ऊपर दिया है कि मतलब पूरा काम धंधा नाच गाना दारू बियर करने के चक्कर में हो गया खत्म, और अभी गुना भागा कर रहे हैं कि साला कोनो हिसाब नहीं जी, साल भर बीत गया कैसे, और नया साल आ गया, साला कोनो हिसाब नहीं, शादियों करने की उम्र हो गया, जैसे सीजल का तैयारियों नहीं हुआ है, कैसे होगा, नहीं अब जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बहुत सारा जिंदगी में टाइम है, उसका गुना भागा करो और तैयारी करो, ये कहना चाह रही। आगे देखते हैं। आज तो पूर्ण साल बीते लागल का है, पूर्ण साल बीते लागल का है मुदा, मगर कल तो नवा भी है, नवा दिन मतलब कल तो नया दिन है, नया फ्लेवर का, और नवा रात होगी, कल तो नया रात होगा, सहेले तनी सोचू बुझू और नवा काम करो, इसीलिए जो बीत गया सो बीत गया, अब सीजीएल के लिए जबरदस्त तैयारी करिए, सिलेबस चेंज तो जाने दीजिए चेंज होगी, आप तैयारी करिए जबरदस्त, वही कवि बोल रहे हैं। पूर्ण साल कैसनो बीतलक किसी तरह भी बीता, मुदा आज साल में हमारे बगरा बेस काम करे, आने वाला साल में इस साल में हम लोग को बेरोजगार नहीं रहना है, वो कवि बोल रहे हैं, कहने मतलब समझ रहे हैं ना कि जो बीत गया सब बीत गया, इस साल अच्छा काम करने का प्लान करना है, तो अभी तक बेरोजगार थे, इस साल जॉब लेने का प्लान करना है हाल में, ताकि खेत में बेस बेस धान उपजे, वो कभी अपने हिसाब से बोल रहे हैं। पुन्ना साल कैसनो बीतलक मगर एक साल में हमरे बेगर बेस काम करब, मतलब बगरा बेस काम करब, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ताकि मतलब कि मजदूरी काम धंधा अच्छा से करेंगे, ताकि खेत में बेस बेस धान उपजी और गोटा घर अनाज से भरी, जेकर खुशी में हमरे मन फिर नवा गीत गाब और रिज रंग करब, उसके खुशी में हम लोग नया गीत गाएंगे, नाच डेग अच्छे से इंजॉय करेंगे, यह काम धंधा कर बीच में करम जीतिया और फगुआ आवी और ईंद भी, यह काम धंधा के बीच में इंजॉय करने का टाइम भी तो आएगा जी, जीतिया आएगा, करम आएगा, फगुआ आएगा, ईंद भी आएगा, से पर रिज रंग करब होल बेरा मजा लागे, वैसा टाइम हम लोग इंजॉय करेंगे तो मजा आएगा, वो इंजॉय का समय है, अब सालों भर इंजॉय करेगा आदमी तो सही बात नहीं है, अपन अपन भाई से हंसी खुशी मनाब, अपने अपने हिसाब से पूरा अच्छे खुशी से तैयारी के साथ ये सब पर्व को मनाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें इस कविता में कई गो पर्व का नाम आया है, ऐसा ही पूछ सकता है, ये कविता यहाँ नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं, पढ़ना है यहाँ भी, समझ रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो डीपली वो प्रश्न पूछेगा कितना टाइप का कविता का नाम आया है, वो कहाँ पूछेगा, तो कविता वाला सेक्शन में पूछेगा। पारी पारी से आओ रे करम जितिया इंद और फाग, सब पारा पारी से आएगा ये सब त्यौहार, सब हंसी खुशी कर साथे पावब अपन करम कर भाग, अच्छे से इंजॉय करेंगे और अपना करम मनाएंगे। आगे देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री कर कहे मूल भाव यही है, मुख्य भावार्थ कवित्री का यही है कि यह है कि अपन कर्म करके तब रिज रंग करे चाहिए, अपना काम करने के बाद इंजॉय करना चाहिए, पढ़ने के बाद घूमना फिरना चाहिए, शाम को चाय पीना जाना चाहिए, पढ़ने के बाद ऐसा ना कि दिन भर घूमो और शाम को भी चाय पीने निकल गए, वो चीज़ नहीं। साल के बेकार नहीं करे चाहिए, साल को बेकार नहीं करना चाहिए, खाली खाए पिए के अपन दिन के नहीं बिताना चाहिए, खाली खाने पीने में अपना दिन को नहीं बिताना चाहिए। आगे देखते हैं। कवित्री अपन दियो कविता, कौन कविता, तो वही डोंगा वाला, और इसमें अलग नवा साल नवा गीत वाला में दियो कविता में मनुख और उकर कर्म पर विशेष गोइठ कहे तिहा कह रहे, कोशिश किए हैं, विशेष गोइठ मतलब कि विशेष एकदम जमा बात रखे हैं, और कहे तिहा मतलब कहने, तिहा मतलब कोशिश,
तो कहे कोशिश किए हैं। इन दोनों कविता से मनुख मन के शिक्षा लेक चाहिए, सॉरी दोस्त, इन दोनों कविता से मनुष्य को शिक्षा लेना चाहिए कि कर्म पहले करे चाहिए तले रिझ रंग मनाए चाहिए, मतलब काम पहले करना चाहिए फिर इंजॉय बाद में करना चाहिए, यही कविता से यही सीख लेना चाहिए। तो आपको क्या सीख लेना है, पहले पढ़ाई करो फिर बाद में इंजॉय करो। चलिए कविता खत्म हो गया, अब उससे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर कुमारी बसंती का जन्म कौन जिला में लग रहा है, बताइए तो कौन जिला में हुआ था। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। एकदम सही जवाब अभी बोले थे, एकदम देहात, सिमडेगा में। ये ऑप्शन घ, ये ग होगा, ऑप्शन ग, हाँ तो सिमडेगा जिला एकदम परफेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, कवित्री का जन्म कौन मास और साल में लग रहे, कौन महीना साल में हुआ था, हो सके कौन महीना खाली पूछ दे लेकिन दोनों को हम मिला के डाल दें यहाँ पे। कौन मास और साल में लग रहे, मार्च 1940, मार्च 1950, अप्रैल 1950, मई 1947, कौन सा महीना में हुआ था बताइए। तो बिल्कुल मार्च 1950 में हुआ था। इसमें आगे देखते हैं, पोढ़ा टोली केकर जन्म जगह संबंधित है, किसका जन्म जगह से, शारदा प्रसाद, चार ऑप्शन हमके पास बताइए। एकदम सही ऑप्शन ख, डॉक्टर कुमारी बसंती, ये सही हो गया। आगे देखते हैं, नागपुरी गीतों की छंद रचना के रचल किताब केकर रचल किताब है के, ठीक है, नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर, ठीक है, केकर केकर रचल किताब है, किसके कृति है, चार ऑप्शन हमके पास, अभी पढ़े हम लोग जबरदस्त तरीका से, डॉक्टर कुमारी बसंती का, इसी से वो तो PhD भी की है। आगे देखते हैं, नागपुरी गीतों की छंद रचना कौन पब्लिकेशन प्रकाशित भेल रहा है, ऐसा प्रश्न पूछेगा, किससे हुआ था, है कृति से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, चार ऑप्शन हमके पास है, मार्गदर्शन से हुआ था, नहीं, एकदम सही जवाब ऑप्शन घ, किशोर विद्या निकेतन, जो कि कहाँ है, वाराणसी में है। आगे देखते हैं, बसंती का शिक्षा कहाँ तक होलक, बसंती का शिक्षा कहाँ तक होलक, MA BA NET PhD कहाँ तक बताइए। बिल्कुल मैक्सिम MA थोबे किया था, कहाँ तक मतलब कि PhD तक, हाईएस्ट ये ना है जी, PhD तक हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, नागपुरी गीतों की छंद रचना कौन बच्छर प्रकाशित भेलक, कौन साल प्रकाशित हुआ था नागपुरी गीतों की छंद रचना बताइए, नागपुरी गीत का छंद रचना कौन साल प्रकाशित हुआ था, चार ऑप्शन आपके पास है, 1920, 1993, 1990, 1978 बताइए, बोलिए कौन सा में हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन घ, 1993 में हुआ था। इसमें चलिए आगे देखते हैं, किशोर विद्या निकेतन कहाँ स्थित है, किशोर विद्या निकेतन रांची, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी, कहाँ पे है। बिल्कुल, अरे भूलने से भी नहीं भूलिएगा जी, भूलना चाहिएगा ना, कि भूल जाए हम तो भी नहीं भूलिएगा, ऐसा दिमागवा में घुसेगा, भूलना चाहिएगा तो भी नहीं भूलिएगा, फेल होना भी चाहिएगा नहीं सर चैप्टर वन में तो भी फेल नहीं होइएगा, समझ लीजिए, गारंटी बोल रहे हैं, याद होते जा रहा होगा सारा चीज़, बस रिविजन करना है। ये सब क्लासेस इसीलिए बोलते हैं, जो थोड़ा सा देखिए, जो एक सेकंड आप लोग लुक सुन लीजिए, कि जो स्टूडेंट जिसका मजबूत है बेस, सारा तैयारी, कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, लेकिन जिनको थोड़ा सा वीक है, जिनका स्पेशल चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी 2 अपनाया गया है, और वही लोग ज्वाइन, उन लोग से रिक्वेस्ट है, उन लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ग्रुप बन गया है, स्टूडेंट लोग को ऐड कर दिया गया है, वहाँ पे आप PDF ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो PDF दे दिया जाएगा, और कल उसका टेस्ट होगा, ऐसे ही कंटिन्यूस लेक्चर होगा, उसका MCQ दे दिया जाएगा, अगला दिन टेस्ट चलेगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो ज्वाइन नहीं किए होंगे ज़रूर ज्वाइन करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुमारी बसंती कौन साल सेवानिवृत्त हो रहे, 2007, 1997, 2011 और 2021 कौन साल। बिल्कुल ऑप्शन ग, 2011 में। दसवां क्वेश्चन, कुमारी बसंती कौन कॉलेज में सुरवे व्याख्याता रहे, सुरवे लेक्चरर कौन कॉलेज में थे, चार ऑप्शन है, कहाँ, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यों नहीं, कहा है कि किस में थे, वो रांची कॉलेज में थे, सुरवे व्याख्याता, ठीक है। आगे देखते हैं, कवयित्री कौन कॉलेज विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा यानी TRL का अध्यक्ष रहे, DSPMU, रांची, RU, रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे, या नहीं पता, किस में बताइए। बिल्कुल वहीं से रिटायर किए थे, रांची यूनिवर्सिटी के थे, अरे यहीं से रिटायर 2011 में किए। आगे देखते हैं, बसंती जी कर कौन रचना लघु निबंध लगे, कौन रचना लघु निबंध, लघोक्ति, द्राइर, समय सुना है के, सगई, कौन है लघु निबंध। बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं समय सुना है के। क्वेश्चन 13, हेठे देवल कृति में से कौन बसंती जी का नहीं है के, कौन रचना बसंती जी का रचना नहीं है, नीचे दिया हुआ से कौन रचना बसंती जी का रचना नहीं है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नागपुरी कर सौरभ, दराइर, सगई, क्रिसमस का सांझ,
भालाल नदी का डोंगाइत या सौ भेके, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि क्या है, ठीक है। और जो दोस्त जिसको भी जुड़ना है पेड कोर्स में 8002858674 इस नंबर पर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर जरूर मैसेज करके आप बात कर सकते हैं और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपका हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, पूरा नोट्स का डेली टेस्ट चलेगा, डेली वीकली टेस्ट चलेगा, 8 दिन में जो पढ़ाया हुआ उसका डेली लेक्चर मिलेगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जिसको भी नागपुरी ज्वाइन किए हैं, जिसको भी जुड़ना है इस क्लास से, इसका व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो दोस्त जिसको जुड़ना नहीं है, जिसको लगता है कॉन्फिडेंस है, उसके लिए क्लास डेली आएगी, आप लोग टेंशन ना ले। आप लोगों के लिए बस यही कि आप लोग को PDF परचेस करनी पड़ेगी, टेक्स्ट परचेस करनी पड़ेगी, सारा चीज़ आपको जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर है सारा चीज़ आपको परचेस करनी पड़ेगी। वीडियो लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। जो इस ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते हैं, जो पेड बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों को कंप्लीट क्लास कराई जाएगी। और जो दोस्त को जुड़ना है उसके लिए एक और बता देते हैं कि उनको किताब भी प्रोवाइड कराई जा रही है, 2500 किताब लगता है उसका, वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है मात्र जनरल नया स्टूडेंट के लिए 1400 प्राइस है, इसीलिए। और वही 1400 में कंप्लीट नोट्स किताब सारा चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जुड़े, ठीक है, यही नंबर पे, ठीक है। इसका कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और वीडियो से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए दोस्त, फैलाइए थोड़ा सा, ताकि हम भी आप लोग को कंटिन्यू क्लास देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आधा घंटा पार हो रहा है, आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं और अच्छे परफॉर्म जरूर करें, ठीक है। चलिए बाय।